लेकिन आप कहोगे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, ये कौन सी इमेज है यहाँ पे? जब मैं 1 2 3 4 5 को देखता हूँ तो ये मेरी मॉडिफाइड इमेज इस तरीके से है, बराबर है। मुझे तो सिर्फ ये ऊपर वाली जो बैक में जो इमेज है ये, इसका मुझे रिस्पेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कॉर्नर में एक्चुअल में एक इमेज होनी चाहिए आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रिस्पेक्टिव ऑपरेशन, जिसमें 500 600 का ये आंकड़ा मैंने मेंशन कर रखा था, वो तो मुझे यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिकॉज दोस्तों ये प्रीवियस रन है, अगर मैं अभी इसको करंट रन करता हूं तो आपको वो भी चीज जो है वो देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। बिकॉज मैंने जैसे ही आंकड़ों से फेरबदल किया तो मुझे एक नई इमेज प्राप्त हुई है, उसमें कुछ एडिशन प्राप्त हुआ है, और उस हिसाब से जब मैंने उसके ऊपर फ्लिप लगाया तो उसके अनुसार मुझे फ्लिप ऑपरेशन जो है इस तरीके से परफॉर्म करके मिल गया। बाकी अभी आप देख सकते हो इमेजेस जो है वो सेम है, 1 2 3 4 5 अपडेट हो चुका है, और इस हिसाब से मेरा फ्लिप भी अपडेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और भैया समझते हैं, अगर मुझे इसको वर्टिकली फ्लिप करना होगा, मतलब टॉप बॉटम को इस तरीके से फ्लिप करना होगा, तो सेम तरीका है, फ्लिप अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर बॉटम यहां पे आपको लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से इमेज प्राप्त हो जाएगी। सेम वे यहां पे भी आपको जो देखने को मिलेगा कि भैया यहां पे जो अपन ने थोड़ा बहुत आंकड़ों के साथ फेर बदल करके नई इमेज फॉर्म की थी उसका चेंजेस आपको यहां देखने को नहीं मिल रहा है। ये वो वाली इमेज है जो कि मैंने प्रीवियसली जो कोड सिर्फ एक के ऊपर एक इमेज लगाया था उसके लिए रन हुआ है, लेकिन अब अगर मैं इसको रन करता हूं वापस से फॉर द मॉडिफाइड चेंजेस दैट वी हैव डन, तो आपको देखने को मिल जाएगा वो मॉडिफाइड चेंजेस अलोंग विद द फ्लिप भी आपको यहां पे रिजल्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कुछ इस तरीके से भैया एग्जीक्यूशन जो है वो हो रहा है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भैया कुछ और अलग विविध प्रकार के ऑपरेशंस को, जैसे कि फिल्टर की बात अगर की जाए, तो अगर मुझे भैया मेरी इमेज में फिल्टर लगाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे को खूबसूरत दिखना है, मेरे को बढ़िया तरीके से अपने आप को दिखाना है, तो फिल्टर मुझे लगाना है। अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स होते हैं, यानी कि एक इफेक्ट होता है भैया, एक इफेक्ट होता है जो आप आपकी इमेज में डालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, देखो इंपोर्ट आपने इमेज मॉड्यूल तो किया था, लेकिन उसके साथ साथ इमेज फिल्टर मॉड्यूल की भी आपको जरूरत यहां पे पड़ने वाली है, बिकॉज उसी में बहुत सारे आपके जो फिल्टर हैं जो आपकी इमेज के ऊपर लग सकते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो भैया आपको यहाँ पे करना क्या, मेथड कौन सा यूज करना है, img.filter, और फिल्टर में क्या बताना है कि इमेज फिल्टर कौन सा यूज करना है, आपको ब्लर इमेज फिल्टर यूज करना है। आपको कौन सा करना है भैया, ब्लर इमेज फिल्टर आपको इस्तेमाल करना है। और जैसे ही देख लीजिए मैं शो करता हूं, तो शो यहां पे जब अपन यूज करते हैं इस मेथड का, तो आपको एक अलग से विंडो में अपनी जो इमेज है वो दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए यहां पे ऑब्वियस ही बात है, अब ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि यहां पे ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके सामने मैंने कुछ 500 600 की जो हेर फेर किए थे भैया आंकड़ों के, उसकी वजह से यहां पे अपनी इमेज जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपकी ओरिजिनल इमेज उसको अलग रखा कीजिए, और उसके जो कॉपी है उसके ऊपर ये ऐसे ऑपरेशंस और काम किया कीजिए, बराबर है। नहीं तो फिर नतीजा कुछ ऐसा होगा कि आपको जो है आपकी ओरिजिनल इमेज मॉडिफाई होती जाएगी और जो ओरिजिनल थी वो आप कहीं खो बैठोगे और उसके ऊपर आगे ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फंडा आपको समझ में आ गया कि यहां पे जो भैया देखो ब्लर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, पहली इमेज आपकी कितनी क्लियर थी लेकिन यहां पे आप देख सकते हो कि इमेज जो है वो ब्लर हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर मुझे कॉन्टोर देखना है भैया, तो कॉन्टोर में देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है आपकी इमेज इस इफेक्ट के साथ, इस फिल्टर के साथ आपको दिखाई देगी। उसके बाद एम्बॉस इफेक्ट चाहिए आपको, अगर एम्बॉस फिल्टर चाहिए तो देखिए वो भी आपके सामने उपस्थित है, आप बड़े गौर से जो है इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। उसके बाद भैया एज एनहांस, जी हाँ, जो भी आपके इमेजेस है पिक्चर है उसके अगर एज आपको एनहांस चाहिए, थोड़ा शार्पेंड अगर चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो, देख लीजिए इस तरीके से अपन करते हैं ना, है ना, अपन इमेजेस को थोड़ा सा एडिट करते हैं, ये भी चीज करते हैं, ये भी फिल्टर डालते हैं, तो वो भी आपके सामने इस तरीके से मैंने रख दिया है, ये भी चीज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे इमेज को मुझे थोड़ा स्मूथ बनाना है, ज्यादा शार्प नहीं करना है, ज्यादा एज एनहांस नहीं करना है, तो इस तरीके से स्मूदिंग इफेक्ट भी जो है फिल्टर जो है आप अपने इस रिस्पेक्टिव इमेज को लगा सकते हो। अब दोस्तों अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं स्प्लिट क्या फंडा होता है। जी देखिए आपका जो इमेज है, जैसे अपना यहाँ पे जो इमेज अपन ने कंसीडर किया है, उसका मोड क्या है, यानी कि उसमें कितने चैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें तीन आपको चैनल्स कह लीजिए, तीन बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, सही बात है कि नहीं। अब ये स्प्लिट क्या करता है, इन बैंड्स को स्प्लिट करता है और इंडिविजुअल बैंड इमेजेस जो है वो एक तरीके से आपके सामने लाने की क्षमता रखता है। मतलब इनको स्प्लिट करो, अलग अलग नए नए इमेजेस इंडिविजुअली हर एक बैंड के हिसाब से तैयार करो और वो आपके डिस्प्ले में रख दो, इस तरीके से जो कोशिश है ये स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए भाई साहब आपको दो बार पुकारना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, image.image.split, और उसमें आप पैरामीटर के तौर पर अपनी जो ओरिजिनल इमेज है वो दे सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हो आपको तीन अलग अलग न्यू इमेज बैंड्स विद देयर रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल बैंड्स देखने को मिल जाएंगे,
जैसे इमेज स्प्लिट में प्राप्त हुआ तो आपको देख सकते हो जीरो है, ये वन है, ये टू है, इस तरीके से भैया इंडिविजुअली सेपरेट बैंड्स जो है, चैनल्स जो है, इसके रूप में आप यहाँ पे इमेज को देख सकते हो। और यहाँ पे शो मैथड जैसे कि एक अलग विंडो में आपको ये तीनों जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही भैया मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने देखिए भैया खुल के आ गए हैं ये तीनों। अब जैसे ये खुल के आ गए तीनों, इस तरीके से आपके सामने जो है वो नजारा आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिविजुअली हर एक बैंड के हिसाब से ये इमेज जो है वो आपकी जनरेट की गई है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इस तरीके से भैया स्प्लिटिंग जो है आपके बैंड्स का परफॉर्म किया गया है। अब ये तो भैया अपन ने PIL इसके जरिए किया, इसके जरिए अपन ने उसको स्प्लिट किया है, ओके। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली अपना जो एरे अपने पास होगा उसके जरिए भी अगर मैं इस इमेज को अगर देखने की समझने की कोशिश करूं तो वो कैसे हो सकता है? तो सिंपली आपको np.array, ऑब्वियस ही बात है ये जो इमेज है उसका एक इमेज एरे आपके पास होना चाहिए। और फिर उस इमेज एरे के अंदर आपको पता है तीन डायमेंशंस होते हैं शेप, जब आप देखोगे उसमें तीन डायमेंशन होते हैं, ओके। तो यहां पे अपने को तीन डायमेंशन में से जो तीसरा डायमेंशन होता है जो कि आपके चैनल के बारे में बात करता है, जीरो मतलब रेड, वन मतलब जी यानी ग्रीन, और टू मतलब आपका ब्लू होता है। तो मैं जब जीरो रखता हूं दैट मीन्स आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट कि भैया मुझे लाल के दर्शन करवा दे, मेरे लाल के दर्शन जो है रेड के दर्शन जो है करवा दे। और उसके लिए हम लोग आई एम शो की इस्तेमाल जो यहाँ करते हैं। और आपको जो सवाल पड़ा होगा भैया यहाँ पे हमें जो इमेजेस मिले थे वो कुछ ब्लैक शेड में दिख रहे थे, ग्रे, तो यहाँ पे हम वही सेम चीज करने के लिए यहाँ सी मैप जो है दैट इज कलर मैप एक तरीके से ग्रे स्केल जनरेट करने के लिए ग्रे मेंशन करने वाले हैं। और जैसे मैं ग्रे मेंशन करता हूँ आपके समक्ष देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट जो है अपडेटेड रिजल्ट दिखने चाहिए आपको, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अपडेटेड रिजल्ट में आपको जो ये अपडेटेड इमेज का जो ये पोर्शन है आपको यहां देखने को मिल रहा होगा जो कि अपन ने एक्सपेरिमेंट जस्ट ऊपर ही किया था। तो दोस्तों ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो वो अपनी रेड वाली इमेज थी उसके साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, जीरो वाली जो इमेज थी उसके साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अगर मैं यहां पे वन वाली के साथ जाऊं, वन वाला मतलब देखिए यहां पे मैंने देखिए यहां पे वन मेंशन किया था यानी कि मैंने ग्रीन जो मेंशन किया था उसको भी अगर मैं ग्रे स्केल में दिखाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से भैया नजारा आपके सामने देखने को मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगी इमेज ना, है ना, इमेज अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से भैया जो है ग्रे स्केल फॉर्मेट में आपको ये अपनी जो इमेज है वो वन रिस्पेक्टिवली उस ग्रीन बैंड के साथ जुड़ा हुआ, चैनल के साथ जुड़ा हुआ जो इमेज है वो देखने को मिल जाएगा। एंड देन कमिंग फाइनली टू द लास्ट वन दैट इज द थर्ड वन दैट इज द ब्लू वन, जहां पे आप उसको सेकंड से डिनोट करते हो, टू आंकड़े से डिनोट करते हो, थर्ड डायमेंशन में उसको भी ग्रे स्केल में दिखाओगे तो कुछ इस तरीके से इमेज दिखेगी। तो जो पहिया अपन ने स्प्लिट मेथड के जरिए जो भी हमें इंडिविजुअल बैंड्स मिले थे अपने इमेज के जो हमने शो किए थे, दर्शाए थे, दिखाए थे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, देखिए ओके इन दिस वे यू कैन सी दीज आर द थ्री। तो भैया ये अपना क्या है, ब्लू से रिलेटेड वाला फंडा था, ये अपना देख सकते हो आप ये ग्रीन से रिलेटेड वाला फंडा था, सही बात है, और ये अपना क्या है भैया रेड से रिलेटेड वाला फंडा था। और इसी तरीके से आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं ताकि आप सब जो है चीजें आपके सामने रख सको। ये रेड वाला है आप देख रहे हो स्क्रोल हो रहा है, ये ग्रीन वाला है और ये एक तरीके से ब्लू वाला है। तो भैया सेम सेम कट कॉपी जैसा होता है वैसा ही अपन ने दो तरीकों से लाके रख दिया रिजल्ट आपके सामने। मैंने आई होप आपको ये सारी चीजें मजेदार लगी होंगी, समझ में आई होंगी। और PIL से जुड़ी हुई बहुत सारी तमाम जो ऑपरेशंस है, बहुत सारे फीचर्स, उसके बहुत सारी जो तकनीकें हैं वो मैंने आपके सामने रखी। आपको अगर पसंद आ गई होंगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।